आवाज बहुत कम है. सो सबसे बड़ी बात, फाइनली वी आर ड्राइविंग द टर्बो वर्जन बिकॉज टेस्ट ड्राइव में यही है. सीट मेरी थोड़ी ऊंची लग रही है, थोड़ी नीचे कर लेता हूँ. तो अब तक जितने मतलब बाकी रिव्यूज का तो मेरे को लेना देना नहीं, बट मैं लास्ट टाइम बैठ के मैंने गाड़ी देखी, सब देखा. उधर से लेना जी, उधर नहीं चढ़ेगी? नहीं सर, यहाँ पोल से चढ़ जाएगी ना. बाकी मैंने लास्ट टाइम आके गाड़ी देखी तो मुझे बड़ी बहुत सही लगी, सब कुछ परफेक्ट था. बट ड्राइव करके ही असली चीज़ पता लगती है कि चैसी में कितनी जान है, सस्पेंशन में कितनी जान है, सच में इनकी कॉस्ट कटिंग है या नहीं है. तो अब तक स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल रिव्यू बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट कार बिकॉज इसने सारी मार्केट हिला दी है. ओ इट्स वेरी लाइट ऑन इट्स फीट. स्टेयरिंग के बारे में मैंने सुना सबसे है कि थोड़ा खराब. भैया अपन बेल्ट लगा लो. भैया मेक श्योर आपका फ़ोन साइलेंट हो. आपने भी कर लिया भैया साइलेंट? जी. ओके मेरी डबल चिन दिख रही है उसमें. एनीवे मोटा हो गया थोड़ा. एक पॉइंट इज कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल थिंग. अब तक तो सब कुछ सही लग रहा है. सस्पेंशन इज़ वेल बैलेंस्ड. स्टेयरिंग में फील फीडबैक नहीं है, आई अंडरस्टैंड. तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा स्टेयरिंग को, बट आई जस्ट वांटेड टू सी कि इज इट लिवेबल इनफ या बहुत ही ज़्यादा खराब है. बट मुझे अब तक बहुत ज़्यादा खराब वाला नहीं लग रहा. इट्स ट्रू कि फील फीडबैक बहुत अजीब सी है, नॉट लाइक एक फोर्ड का स्टेयरिंग या और कोई या होंडा का कुछ. वी आर गोइंग टू बी ऑन द हाईवे, रेविंग द मोटर हार्ड. 5 RPM तक कोई आवाज़ नहीं है. 5 पे बदला गियर, गियर बदलने टाइट है. It just revs so happily, man. I'm on third gear. I've got a lot of oomph, lot of oomph. It's revving, 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 revving. Total stability. Sirf engine se awaaz aa rahi hai. Koi wind noise nahi hai, kuch nahi hai. At 110, 115, maine I reached. So the body is extremely stable. Aisa kuch nahi hai. 90 pe cut kaat raha hoon. Body control is good. Steering se feedback definitely kam hai. Third gear. इंजन इज प्रिटी रिस्पॉन्सिव. स्टेयरिंग का इट्स ट्रू कि कुछ नहीं पता लगता, बट ऐसा नहीं है कि बहुत वेग नहीं है. इट्स जस्ट लाइक ओवर वेट हो जाता है. क्या बात है, 120 वाला बजर इसमें बहुत ही स्लो है, विच इज वेरी गुड फॉर पीपल लाइक मी. गेयर हार्ड है बट ऐसा नहीं है कि कोई मिस हो रहा है, ऐसा कुछ है. क्लच इज गुड इनफ. तीसरे गियर पे हम लोग रेविंग इट फुल थ्रॉटल पे हूँ. डरना नहीं किसी ने. नाउ फोर्थ, आई एम एट 140 एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार. आई एम एट 150 नाउ, 153. नाउ आई एम ऑन फिफ्थ गियर. इस गाड़ी में 5 गियर है. आई एम ऑन 156 एंड कार इज फुली स्टेबल. ब्रेक्स बहुत अच्छी है. 110 पे नीचे आगे मैं कट काट रहा हूँ. कोई गाड़ी में शोर नहीं बचता, कोई टायर नॉइज़ ज़्यादा आती. मेरा कॉन्फिडेंस, द ओनली वन थिंग जो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज करती है हाई स्पीड पे, इज द स्टेयरिंग. एंड स्टेयरिंग इज नॉट लूज, इट टेक्स वेट, भारी हो जाता है. बट ये है कि आपको जिस तरह एक अच्छा स्टेयरिंग भारी होता है उस तरह भारी नहीं होता, तो उतना प्रिसाइज नहीं है. बट अगर ये गाड़ी 10 लाख की होती तो मैं एक नॉर्मल सी बात ही बोलता कि यार की स्टेयरिंग शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सी 10-11 लाख की गाड़ियों का अच्छा नहीं है. बट ये गाड़ी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि 3 लाख सस्ती है. मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा कि हाउ दिस कम सो चीप. आई एम एट 140, कोई बाहर का शोर नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से भी बात कर पा रहा हूँ. इतनी स्मूथ है ये कार और 3 सिलेंडर 1000cc इंजन है. नाउ आई एम ऑन फिफ्थ, फोर्थ गियर पे मैं 150 तक लेके जा रहा हूँ. एंड सी कितने आराम से ब्रेक मारती है. कोई ऐसा नहीं कि जरूरत से ज़्यादा नोज डाइव है. ब्रेक्स भी बिल्कुल ठीक है. दिस इज द मार्वलस प्रोडक्ट यार. क्या बात है, एक्सट्रीमली स्टेबल, एक्सट्रीमली वेल बैलेंस्ड, अमेजिंग हाई स्पीड स्टेबिलिटी, अमेजिंग हाई स्पीड स्टेबिलिटी. अब वापसी रास्ते पे हम थोड़ा नीचे वाले रास्ते से आएंगे सो दैट वी कैन टेस्ट कि हम सस्पेंशन कैसी अगर खराब रास्ते पे जाते हैं. बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज एक्सट्रीमली ग्रेट. कहीं किसी भी तरफ से ये एक हल्की गाड़ी नहीं है और अभी 4 बंदे बैठे हैं तब भी इतना अच्छा हैंडल हो रही है. कहीं से मेरे को कोई वो नहीं लग रहा कि डरने वाली बात या कुछ सही नहीं लग रहा. इट इज ट्रूली अ निसान. क्या हुआ, अमेजिंगली लाइट एट इट्स फीट. इंजन इज सो पैपी और ये तभी फील होता है जब इंजन के पास अच्छी एप पावर होती है.
डेफिनेटली जो इसका 5 लाख वाला, मैं यहाँ से सड़क से उतरने लगा हूँ, जो इसका 5 लाख वाला एक्सी मॉडल है, जो नॉन टर्बो इंजन है, कम पीएस वाले, जो ड्राइवर में ड्राइवर मुझे मिलेंगे टेस्ट ड्राइव के लिए, उससे और क्लियर हो जाता। बट अगर हम ये बोलें कि हमने एक सस्ती बॉडी में या सस्ती चैसी में कम पावर देके एक सस्ती गाड़ी निकाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली एट वेन्यू सोनेट ब्रेजा लेवल्स। डेफिनेटली पेट्रोल इंजन में टर्बो है तो टर्बो लैग तो आएगा। स्टेयरिंग अलग तरह से वेट होता है। अब जैसे अब मेरी स्पीड कम है फिर भी मुझे थोड़ा भारी लग रहा है, बट आई थिंक यू विल बी यूज्ड टू इट। काफ़ी लोगों को तो ये बात पता भी नहीं लगती, लोग इतने सालों से Hyundai चला रहे हैं, Hyundai ने इतनी मुश्किल से अपने स्टेयरिंग भी इम्प्रूव कराया, बट काफ़ी लोगों को ये बात पता भी नहीं लगी, उनको पुराने Hyundai इसका स्टेयरिंग भी अच्छा ही लगता है। कैसे उठती है ये कार, अब आई एम सेकेंड नाउ एंड आई एम टोटली गेटिंग कम्फर्टेबल विद दिस। मुझे याद आ गया यहाँ पर मैं क्रेटा लेके आया था जब मैंने क्रेटा का रिव्यू करा था। क्या बात है, क्या बात है। आई एम डूइंग थिंग्स, द रीजन आई विल बाय दिस ओवर अ बलिनो, थिंग्स दैट यू विल डू ओनली ऑन एन SUV। वहां से भी ऐसे कट कर देंगे। एक्सट्रीमली फन टू ड्राइव इंजन, क्या बात है, मजा आ रहा है। आई होप द स्टेयरिंग कुड हैव बीन बेटर, बट आई वॉज वेरी प्रिपेयर फॉर इट बिकॉज फैजल खान सेट की स्टेयरिंग अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। मेरे को उसके अलावा बाकी सारे थोड़े वही लगता है, पॉलिश से ओवर पॉलिश रिव्यूज, बट इट्स ट्रू की स्टेयरिंग डज नॉट हैव दैट फील और फीडबैक, बट यू कैन स्टिल डू विद इट, इट्स टोटली लिवेबल, एक्सट्रीमली गुड। बट हाई स्पीड पे बस सस्पेंशन और खड्डे देखने हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि गाड़ी में रेटल नॉइस है, या कुछ ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कुछ भी सब पार है। जस्ट अ सेकंड, आगे से रास्ता है नहीं है ना, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी आर 4 people सिटिंग इन दिस कार, और उसके बाद भी इसकी स्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त है। स्टीयरिंग के अंदर तो मोटर है, जैसे मैं स्लो स्पीड पे होता हूँ तो आई वांट लाइटनेस फ्रॉम इट, बट ये बीच में लाइट हो जाता है, बीच में जाने की हैवी हो जाता है, सो दैट इज़ रियली इनकंसिस्टेंट एंड इट कैन डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्टीयरिंग रिस्पॉन्सेज, और ज़्यादातर लोग नहीं होते। जो लोग ज़्यादा ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं या ज़्यादा ही फील लेते हैं, मेरे वर्ग को, मेरे जैसे को पता लग जाता है, नॉर्मल बंदों को ये चीज़ नहीं पता लगेगी। अगर हम देखें माइलेज कितनी आ रही है, इसका बटन था यहाँ पे, दिस फील्स सो गुड। एवरेज आ रही है 6.5 km/L डिपेंडिंग ऑन माई ड्राइविंग, सो आई थिंक आपको 20 के माइलेज निकालने काफ़ी आराम से लानी पड़ेगी। सो टर्बो कार्स का यही सीन होता है कि इनकी माइलेज रेंज बहुत ज़्यादा है। ये वाला मीटर अच्छा लग रहा है, इसमें डिजिटल स्पीडिंग भी है। कैसे उठती है, तो सिंस आई एम अ डीजल, क्या कहते हैं, डीजल हेड, तो मेरे को टर्बोस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम प्रीटी यूज्ड टू टर्बोस। कट कहाँ पे भाई, मुझे आगे नहीं पता, पीछे ड्राइव इट प्रीटी रैश, कोई ऐसा सीन नहीं है। The suspension is extremely good. See, क्या बात है, कोई आवाज नहीं है, very mature, कोई आवाज नहीं है, and this is pretty खराब सड़क भाई, क्या बात है भाई, 10/10 to this car यार, it is truly a Nissan, only the steering का पंगा है, otherwise it's a perfect car. बहुत गंदे कट्स पे सिर्फ आवाज आई, वहां पे नॉर्मल गाड़ियों की सस्पेंशन टूटने वाला सीन है, तो ये टेस्ट ड्राइव कर रहा है इसलिए आई हैड टू टेक इट टू अ लिटिल एक्सट्रीम लेवल, बट इट शोज कि गाड़ी बहुत ही मैच्योरली और बहुत सॉलिड लेवल पे बिल्ट है। वेरी हैप्पी मैन, अमेजिंग कार एट सच अ लो प्राइस यार, यू गेट अ फुली ब्लोन बंडल,
कहीं से भी दिस कार डज नॉट फील अ कॉम्प्रोमाइज, कहीं से भी नहीं. क्या बात है. सो एक्सट्रीम ब्रेकिंग, थोड़ी सी नोज डाइव, बट प्रिटी गुड, जस्ट लाइक अ मैच्योर व्हीकल. क्या बात है. कैन नॉट बिलीव दिस कार कम सो चीप, बट आई डोंट नो स्टिल. जब तक अब टर्बो के कारण नीचे बता रहा हूँ, मैं जान नहीं है. एक बार मुझे नॉन टर्बो वर्जन भी चलाना है. आई थिंक वी हैव टू रैप दिस अप सून. डूइंग थिंग्स वी विल डू ऑन एन एसयूवी. दिस इज द कॉमन वे जहाँ पे हमने एसयूवी 300 का भी करा था. अमेजिंग बॉडी कंट्रोल, अमेजिंग रिस्पॉन्स इवन ऑन खराब रोड्स. क्या बात है. आई थिंक वी आर डन. आई एम वेरी हैप्पी. सारा कुछ टेस्ट कर लिया है. अमेजिंग कार. स्टेयरिंग में इशू है. स्टेयरिंग में इशू भी क्या है कि बहुत कम लोगों के लिए प्रॉब्लम है. ज़्यादा मैं गाड़ी रोक रहा हूँ बिकॉज द पर्सन सिटिंग बिहाइंड मी इज ऑल्सो कस्टमर. उनकी भी टेस्ट शेड्यूल है. आज ही गाड़ी आई है हमारे शहर में. सो आई एम वेरी 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 हैप्पी विद दिस कार. एक सेकेंड. इसका एक्सएल वेरियंट तो बहुत ज़्यादा फुली लोडेड है. सो आई थिंक द एक्सएल टर्बो पेट्रोल वेरियंट विल बी द परफेक्ट वेरियंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन, इवन फॉर एंथुजियास्ट लाइक मी. उनको स्टेयरिंग के साथ थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, बट सिंस एक्सएल इज फुली लोडेड विद ऑटो एसी, शीशे मुड़ते हैं, सब कुछ होता है, एंड देन इट हैज़ दिस पावरफुल इंजन. आई थिंक और दूसरी बात, उसमें अलॉयज नहीं है. 16 इंच के व्हील्स हैं. सो हमेशा ज़्यादा बड़े टायर्स विद व्हील्स विल गिव यू बेटर, मतलब दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन अलॉयज, बिकॉज अलॉयज कभी कभी जरूरत से ज़्यादा भारी हो जाते हैं. तो ज़्यादा सस्पेंशन और बेटर राइड क्वालिटी हमेशा व्हील्स पे आती है, विच इज़ लाइक रिम्स पे आती है. तो एक्सेल वेरियंट उस चीज़ में बहुत अच्छा लोडेड है. तो आई थिंक दैट इज़ अ प्रिटी गुड थिंग. एंड और उसके अलावा आई एम जस्ट वेरी 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 हैप्पी विद दिस होल थिंग. ऑलरेडी क्वालिटी वगैरह सब कुछ में परफेक्ट थी. हर चीज़ पहले ट्राइड एंड टेस्टेड थी. ड्राइव करके मुझे था कि यहाँ पर सब पार कहीं से ना लगे, और कहीं से ना लगी. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. सो साइनिंग आउट. सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को भी, इंस्टाग्राम को भी. मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगा एंड नंबर भी डाल दूंगा साधन जी का, जिन्होंने मेरे को टेस्ट ड्राइव दिलाई है आज. सो यू कैन कॉल देम. अगर आप पंजाब में हो, लुधियाना में हो, इनको कॉल करो. जितने ज़्यादा इनको कॉल जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे को अगली बार टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाएंगे और वीडियो देंगे. एंड अदर देन दैट, सुपर थैंक यू. बाय बाय.